सबसे पहले हम लोग इसका अल्ट्रासाउंड देखेंगे। सबसे पुराना वाला फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होगा वो हम देखेंगे। उसके अंदर हमने दो चीज़ें नोट करनी है कि उसके अंदर फीटल कार्डिक मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, फीटल मूवमेंट भी हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद हम उसका फर्स्ट वाला जो है स्कैन उसका हम लिखेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे और फिर हम देखेंगे इसमें हमारे पास कितने वीक्स आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है हमें 7 से 8 वीक्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 7 डालेंगे। उसके बाद हम हर मंथ में इसको 4-4 वीक्स प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ मैंने लिख दिया 21, ये हमारा आ गया 11, 12, 1, 2, 3, 4 हमारा अप्रैल चल रहा है, यानी कि फोर्थ मंथ हमारा चल रहा है। उसके बाद हम इसमें 4 प्लस करते जाएंगे, ये आ गए हमारे 11, 12, 13, 14। उसके बाद जब हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 वीक जो है प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 16। उसके बाद हमने इसमें फिर वही इसी तरह एज इट इज़ 4-4 वीक्स प्लस करते जाने, 20 हो गया, ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा 28। फिर हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो इसमें हमने 1 वीक प्लस कर दिया तो हमारा 29 हो गया। अब 29 के अंदर फिर हमने 1 मंथ का जो है ऐड करना है, 33 आ गया हमारा। उसके बाद हमारे पास आज क्या आ रहा है, हमारे पास 28 आ रही है, तो हम इसको डेज में काउंट करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हमारे पास ये पूरा एक वीक इसका कंप्लीट आ रहा था, यानी इसकी जो ईडीडी निकली है वो 34 वीक्स की।